गाइस नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। और अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन की घंटी को ज़ोर से बजाइए, ठीक है। आज जो बात करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया था कि एक वीडियो मैंने बनाया था जिसका नाम है richquick.com, यानी कि रिच क्विक जो टोकन है उसके ऊपर वीडियो बनाया था। और वो उसमें से समथिंग दो चार लोगों को मेरे को दो चार दोस्तों का मेरे के पास मैसेज भी आया, जिसमें उन्होंने मेरे को बताया था कि ये सेल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपके सामने $1 या फिर $2-5 का सेल करके भी बताऊंगा और लाइव प्रूफ आपके सामने रखने वाला हूं। परंतु अगर आप मार्केट में रिक्स लेना चाहते हैं तो अपने ऊपर लीजिए, जो भी करना है बाय और सेल, ठीक है, अपने ऊपर खुद की रिक्स है और खुद की रिसर्च करके। दूसरी बात कि ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आपका सेल नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप चेक करिए कि अगर बाय और सेल नहीं होता तो यहाँ पे होल्डिंग देखिए आप, 7800 BNB की होल्डिंग बन चुकी है, जो एक बहुत बड़ी है। नॉर्मल कॉइन हर किसी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात कि एक बात और आपको बताता हूँ, लाइव आपके सामने सेल करने वाला हूँ, ठीक है, जो भी है आपके सामने रहेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप पैनकेक स्वाप पे कर रहे हो तो आपको जो आपका स्लिपेज रखना है, स्लिपेज बढ़ाना है। जब तक आप स्लिपेज नहीं बढ़ाओगे तब तक आपको वहाँ पे सेलिंग आपका नहीं होने वाला। स्लिपेज कैसे बढ़ाएंगे वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पैनकेक स्वाप, ओके। जैसे मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे एक पैनकेक स्वाप की जो वेबसाइट है ये आपको ओपन करनी है आपके ट्रस्ट वॉलेट में, और कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो भी आपका कॉइन है आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग में, और सेटिंग में जो आपके मोबाइल के ऊपर अगर सेटिंग में जाते हो तो यहाँ पे एक स्लिपेज का ऑप्शन आता है, ये आप चेक कर सकते हैं। स्लिपेज में जो आपका यहाँ पे 0.5 है ना, उसकी जगह आपको यहाँ पे 0.15 से स्टार्ट करना है। कोई भी मेमे कॉइन्स होता है तो आपको 10 से स्टार्ट करना है। अगर 10 में आपका स्वाप नहीं होता है तो आप 12 करिए, 12 में नहीं होता है तो 15 कर दीजिए, 15 में नहीं होता है तो 16 कर दीजिए, 17 कर दीजिए, इस तरह आपको बढ़ाते रहना है। जब तक आप स्लिपेज नहीं बढ़ाओगे तब तक आपका सेल नहीं होने वाला, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब मैं आपके सामने जो सेल करूँगा वो भी आपके सामने करूँगा $1 का, भले $1 मेरी ट्रांजेक्शन फीस लग जाएगी, ₹100 के आसपास मेरी जो ट्रांजेक्शन फीस लग जाएगी वो लगभग मान के चलिए 70-80 रुपये के आसपास, यानी कि ₹100 हो गया, ठीक है। आपको अगर पू कॉइन में करते हो तो पू कॉइन आपको आपके ट्रस्ट वॉलेट में ओपन करना है। ओपन करने के बाद में उसको कनेक्ट करना है और आपको जाना है यहाँ पे ट्रेड पे, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास क्विक टोकन है, मैंने लगभग काफ़ी समय पहले लिया था मेरा, लगभग यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये 5 मिनट का चार्ट है, इसको 1 horse का करता हूँ मैं, ठीक है। 1 horse का मैंने कर दिया, और जब मैंने यहाँ पे ये टोकन लिया था, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, जो मेरा प्रॉफिट था तो भी मैंने सेल नहीं किया, क्योंकि एक रीज़न होता है कि यहाँ पे कभी जब हम कोई टोकन लेते हैं उसको सेल करते हैं उसके बाद में वो पंप होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने सेल नहीं किया। यहाँ पे आप चेक करिए, $20 का $21 का मैंने यहाँ पे लिया था, और वो भी लिया था 11/3, ओके, 11/3, यानी कि समझ लीजिए आप 3 तारीख के आसपास मैं यहाँ पे आपकी 3 तारीख कब हो रही, 11/3 नवंबर हो गया, ये हो गई 3 तारीख, ओके, यानी कि इस जगह मैंने लिया था। उसके बाद जब पंप हुआ था, मान के चलिए इस जगह से पंप हुआ 22 के आसपास मैंने लिया था, यहाँ पे मेरा हो गया था लगभग 10-12 गुना के आसपास, ठीक है। उसके बाद सेल नहीं किया तो ये मार्केट यहाँ से गिरा, और गिरने के बाद में मैंने यहाँ पे आज और बाई किया समथिंग $54 का, आप डेट चेक कर सकते हो, 17 तारीख, ओके। तो अब मैं सेल करने की जो प्रोसेस है वो आपको बताऊँगा। ट्रेड के बाद में यहाँ पर मैं यहाँ पर $1 का सेल कर देता हूँ USDT में, ओके। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1, आपके सामने करूँगा जो भी है, ठीक है। मेरे पास USDT नहीं है, आप बैलेंस में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई, अब कंफर्म, और मैं जाऊँगा स्वैप के ऊपर। स्वैप के ऊपर वेट करेंगे जब तक अपना ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के लिए कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए जो मेरा स्लिपेज है, यहाँ पे 14 आ गया, ऑटोमेटिक स्लिपेज लेता है, तो एक अच्छी बात है कि ऑटोमेटिक में जो हाई और बाय होता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक चलता रहता है। यहाँ पे मैं कंफर्म करूँगा 0.00
समथिंग 4 BNB का मेरा ट्रांजेक्शन चार्ज लगा है। मेरे पास अभी यहाँ पे कोई भी USDT नहीं है, 0.15 USDT है। देखते हैं कि यहाँ पे अपने USDT बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, आपके सामने कर रहा हूँ जो भी है समथिंग। एक दो बंदों का कॉल आया, एक दो दोस्तों का कॉल आया, बोल रहे भाई साहब सेल नहीं हो रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मेरा जो USDT है बढ़ चुका है, यानी कि 1.15 USDT था, 0.15। ओके, तो यहाँ पे मेरा 1 USDT यहाँ पे हो चुका है, यानी कि जो सिस्टम है सही तरीके से काम कर रहा है। अब मैं आपको इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे सेल किया, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी पे जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक करिए, ये रहा 1 USDT जो मैंने सेल किया, इस जगह आप चेक करिए। ठीक है, तो इस जगह आप चेक भी कर सकते हैं कि भाई साहब टोकन के ऊपर अगर ट्रांजेक्शन हो रहे थे नहीं हो रहे, उसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरह से आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। हर बंदे की लिक्विडिटी जो होती है वो आप चेक कर सकते हैं, होल्डर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।